गत दिनों प्रॉपर्टी डीलर संतोष साहनी के हत्या के मामले में शुक्रवार को प्रदेश सरकार के मत्स्य एवं पशुधन मंत्री जय प्रकाश निषाद मृतक के परिवार को सांत्वना देने उनके मोहद्दीपुर स्थित आवास पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जिलाधिकारी के विजयन पांडेन, एसएसपी शलभ माथुर, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री जयप्रकाश निषाद मृतक संतोष साहनी के घर पर उनकी पत्नी से मुलाकात की और ये आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की जाएगी। इसी के साथ शासन की ओर से मृतक की पत्नी को 5 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि गत दिनों संतोष साहनी जो कि प्रॉपर्टी डीलर का काम किया करता था, कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने मोहद्दीपुर के 4 फाटक स्थित ओवर ब्रिज के पास उसकी हत्या कर दी, जिसकी गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंत्री जय प्रकाश निषाद ने कहा कि जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की जाएगी। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, नमस्ते, ठीक जगह दो भाई, हम लोग की दुकान कर रहे हैं भाई, आगे जो आप लोग उधर देखा रहा वो सहयोग होगा। अरे भाई साहब पूरी तरह से तुम्हारी मदद होगी, तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, बच्चों को देखो और अपने परिवार में ढाड़स बंधाओ, सब ठीक ठाक से रहो। मंत्री जी चेक कितने का है? मंत्री जी चेक दीजिए कितने का चेक है? बार 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 का दिखा दीजिए, 5 लाख का है, 5 है भाई। हाँ बाबू मेरे पास है। चलो ठीक, चलो मंत्री जी। मंत्री जी सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए के लिए इस पीड़ित परिवार उसको दिया गया है और अभी जो है सरकार का काम, प्रशासन का काम, वो सरकार और प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस परिवार को न्याय मिलेगा। देखिए ये सरकार की बात है, इस पर विचार होगा और विचार करने का ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये तो
जहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं होती है तो हमारे सरकार का कोई ना कोई व्यक्ति पहुँचता है, कोई मंत्री पहुँचता है, मुख्यमंत्री जी स्वयं पहुँच जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं। बहुत सारे राजनीतिक दल आते होंगे लेकिन ये हमारे सरकार की सरकार संवेदनशील है और ऐसे घटनाओं में कोई ना कोई जरूर